स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, हम लोग देखते हैं कि द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। नाउ फर्स्ट द बैकग्राउंड या फ्लैशबैक की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द हाइपोथेटिकल स्टोरी है एंड एंड इमेजिनरी। ये दो तरह का इंट्रोड्यूस करते हैं। द सम बेसिक कंसेप्ट है रिलेटिंग टू द प्रोडक्शन एंड दिस वी डू टू द स्टोरी ऑफ द हाइपोथेटिकल विलेज इज नोन एज द पालमपुर। द स्टोरी ऑफ एन इमेजिनरी इट इज मेक द क्लियर सम कंसेप्ट है ना, सम कंसेप्ट प्री डिटरमाइनिंग टू द प्रोडक्ट। सो फार्मिंग, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फार्मिंग क्या है। कहते हैं कि फार्मिंग एग्रीकल्चर से रिलेटेड बात करते हैं। इन द मेन द प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द विलेज पालमपुरा, मान लो कि ये आपका, सपोज करो कि हम लोग ये विलेज द पालमपुर दिखा रहे हैं। यहाँ का मेन जो ह्यूमन एक्टिविटी कौन सा है, ह्यूमन एक्टिविटी क्या है, तो फार्मिंग यानी कि एग्रीकल्चर, फार्मिंग, ठीक है, फार्मिंग जिसको हम लोग कहते हैं कि कहाँ है, वेयर द पालमपुर की बात करते हैं। सच ऑफ द स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चर्स की बात करते हैं। अगेन जैसे स्टार्ट, तो रिपीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द, क्या है ऑब्जेक्टिव, तो इज अ हाइपोथेटिकल है एंड इमेजिनरी विलेज है जिसको कॉल करते हैं हम लोग द स्टोरी ऑफ ए हाइपोथेटिकल विलेज कॉल्ड पालमपुर है। फार्मिंग इज द मेन द एक्टिविटी इन द पालमपुर, फार्मिंग करके बात करते हैं। सच ऑफ द स्मॉल स्केल द मैन्युफैक्चरिंग, क्या है, स्मॉल स्केल की बात करते हैं, स्मॉल स्केल में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सबसे डेयरी फार्मिंग और क्या है, तो ट्रांसपोर्ट है ना, लिमिट्स द डेयरी फार्मिंग ट्रांसपोर्ट कैरिड और द लिमिट स्केल, ऐसा लिमिट स्केल्स में बात करते हैं। पर जो जस्ट वी स्टार्ट इंट्रोडक्शन करते हैं कि एक स्टोरी हम लोग देख कर रहे हैं, तो केस स्टडी ऑफ द पालमपुर के केस स्टडी करते हैं, तो वहाँ एक इमेज कल्पना के किस एक लाइन है, वहाँ लैंड क्या है, उस लैंड का हम लोग यूटिलाइज करते हैं, तो ह्यूमन एक्टिविटी क्या है, तो मेन ह्यूमन एक्टिविटी देखते हैं फार्मिंग है, फार्मिंग यहाँ का मेन ऑक्यूप है, उससे रिलेटेड इस पालम को इससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है उस एक्टिविटीज को हम लोग इसमें इंट्रोड्यूस किए हैं। प्रोडक्शन एक्टिविटी नीड्स वेरियस रिसोर्स है, तो जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज है सोर्स आर द नीडेड बाय द दीज प्रोडक्शन एक्टिविटी, सोर्स द नेचुरल सोर्स एंड नेचुरल सोर्स, तो क्या है, लेसन जो हमारे पास क्या है, तो लैंड है, लैंड एयर एंड वाटर, तो यहाँ वाटर और लैंड इज नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, तो नेचुरल रिसोर्सेज एक फिजिकल हो गया, एक मैनमेड हो गया। फिजिकल रिसोर्सेज की बात करो तो ऑल द नेचुरल, इसमें कि आपका लैंड है,
लैंड है, ठीक है, और क्या होगा, क्लाइमेटिकल कंडीशन देखेंगे, टाइप ऑफ सॉइल देखेंगे, फर्टाइल सॉइल होना चाहिए, और मैनमेड आइटम्स, ह्यूमन इफर्ट एंड मनी, तीन चीज मैनमेड में आइटम्स है, ह्यूमन इफेक्ट है एंड मनी मनी। तो पालमपुर द वेल कनेक्टेड विद द नेबरिंग विलेज। अब कह रहे कि स्टोरी सुनो, बता रहा है कि ये पालमपुर जो विलेज है वो वेल कनेक्टेड है, वो किससे है, तो आज इन द सराउंडिंग एरिया द नेबरिंग विलेजेस और टाउन, किससे, तो आपके आसपास के जो विलेजेज है वो एक का स्टोरी दे रहे, इंट्रोडक्शन कर रहा है, ये बता रहा है कि जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं कि ये पालमपुर एक काल्पनिक है, हाइपोथेटिकल है, इमेजिनरी है। अब इसकी कहते हैं किसके सराउंडिंग एरिया, नेबरिंग साइड में हम लोग देखते हैं, नेबरिंग साइड में क्या है, तो भैया टाउन भी है और विलेजेज है, ठीक है। तो रायगंज जो है एक बिग एरिया है, विलेज है, जो पालमपुर जो पॉइंट हम लोग यहाँ से ये किए कि मान लीजिए कि ये पालमपुर है, यहाँ से 3 किलोमीटर पर आपको रायगंज देखना है, 3 किलोमीटर जो इसके सराउंडिंग एरिया में, क्योंकि नेबरिंग एरिया है इसके आसपास के पड़ोसी राज्य, पड़ोसी राज्य की बात की, पड़ोसी विलेज की बात करते हैं, टाउन की बात करते हैं हम, और नियरेस्ट स्मॉल टाउन है ना। फिर फर्दर देखते हैं कि नियरेस्ट बहुत नज़दीक, तो मैंने कि ये 3 किलोमीटर में है, तो हो सकता है 1 किलोमीटर हो या 2 किलोमीटर, तो इसकी कंपेरिजन में, रायगंज के कंपेरिजन में स्मॉल विलेज जो है वो सहावज देखते हैं, ये इमेजिनरी है, हो सकता है मेनी काइंड ऑफ द, आप देखते हैं कि नहीं, यहाँ भी अब कहते हैं ये जो रानीगंज देखते हैं, राय पालमपुर देखते हैं, यहाँ पर बहुत तरह के जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी देखने कहता है ना। इन द रूरल एरिया की बात करें तो ये कच्ची सड़क है, अनमेटल रोड है, मेटल भी है, मोटर स्वीक रन कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल्स भी है, उसके बाद बुलेट कार भी है, टांगा भी है, ये सारे आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, हाँ। तो क्या है, तो वो सारे जो क्या है, मीन्स ऑफ द डेवलप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, टू कैरी गुड्स एंड पैसेंजर फ्रॉम द वन प्लेस टू द प्लेस। तो पालमपुर एरिया, पालमपुर के आसपास के जितने भी छोटे और बड़े कस्बे हैं, या मार्केट की बात करो, मंडी की बात करो, यहाँ जो इस एरिया में पालमपुर रीजन में, जो पालमपुर एरिया में जो विलेज हम देख रहे हैं, यहाँ पर जो लैंड है इसका हम लोग यूज कर रहे हैं, ह्यूमन एक्टिविटी कर रहे हैं, और यहाँ का जो प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन को हम लोग क्या कर रहे हैं, उस प्रोडक्शन को कैरी करवा रहे हैं, किस माध्यम क्या है, तो डेवलप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में अगर हम एंशियंट की बात करें, ओल्ड स्टाइल की बात करते हैं, तो देखते हैं क्या तबुलकाट है, टांगा है, बैलगाड़ी चलते हैं। फिर अगर थोड़ा सा मॉडर्न एरिया में प्रवेश करते हैं तो वहाँ देखते हैं कि ट्रैक्टर है, उसके बाद ट्रक्स है, बस है, तो ये बस ट्रैक्टर या टांगा जो भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है उस ट्रांसपोर्ट में क्या कैरी हो रहा है, तो कैरी यहाँ पर तो ज्वेलरी तो नहीं होगा, कैरी यहाँ पर फिनिश गुड तो होगा नहीं, तो कैरी है जो आप फार्मर जो है वो ग्रो कर रहा है, तो चाहे तो वो शुगर केन हो सकता है, चाहे व्हीट हो सकता है, या पल्सेज हो सकता है, तो जो भी कैरी कर रहा है, मगर यह कैरी कर रहा है, जो कैरी करते हुए उसको कहाँ से, फार्म हाउस से उसको आप ले जा रहे हो, कहाँ ले जा रहे, तो मार्केट इंडस्ट्री जहाँ पर उसको ट्रांसफ़र करते हैं, रॉ मटेरियल्स को हम लोग प्रोसेसिंग मेथड से ट्रांसफ़र करते हैं, शुगर केन है ना, शुगर केन गुड़ लेकर जा रहे हैं, एंड द अदर कम्युनिटी द किसके द मोटरसाइकिल्स लाइक जीप है, ट्रैक्टर ऐसे सब। अब एक और कल्पना है कि द विलेज हैज द शॉर्ट 450
द फैमिली है बिलोंगिंग द सेवरल डिफरेंट कास्ट के है। लिटरली है कि जब हम एक किसी कंसेप्ट देखते हैं, अगर किसी कम्युनिटी का फॉर्म करते हैं या किसी कम्युनिटी के सोसाइटी की जब फॉर्मेशन होता है, अगर सोसाइटी बनाते हैं, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी एक ही फैमिली हो, एक ही कॉम के हो, नहीं। तो इंडिविजुअल भी डिफरेंसेस होते हैं। यहाँ पे हर धर्म के, हर वर्ग के, हर कास्ट के, कास्ट है, कलर है, रेस है, रिलीजन्स है, तो सेवरल डिफरेंट कास्टेज दे। तो ये कितना है, कहते हैं कि 450 में से 80 जो है द फैमिली जो है अपर कास्ट के, अपर यानी कि द हायर लेवल, जैसे कि क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, वैश्य की बात करते हैं, क्लास अपर क्लास की बात करते हैं, और दो क्लास, एक अपर क्लास है, एक लोअर क्लास हो गया, और रेस्ट आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो जिनकी मेजोरिटी, कहते हैं अपर कास्ट किसको शो करेंगे, लैंडलेस पीपुल होगा कि लैंडलेस होगा पीपुल या लैंडलॉर्ड पीपुल होगा। तो मेजोरिटी देखा जाता है कि लैंडलॉर्ड जमींदार है ना। हेलो यस सर बोलिए। श्रुति कुछ बोल रही थी क्या? नहीं सर, लोहानी बोल रहा था। क्या लोहानी बोलो, लोहानी सर आप पूछ रहे थे ना सर कि सर आप पूछ रहे थे ना कि अपर कास्ट कौन सा होगा, तो हम बोल दिए लैंडलॉर्ड। हाँ, लैंडलॉर्ड जमींदार जिसको कहते हैं, द ओन द फैमिली ओन मेजोरिटी ऑफ द लैंड इन द विलेज, उस विलेज में। अब मेरा यह विलेज इसमें बहुत सारे लोग, मगर इस पूरे में सबसे ज्यादा अगर किसी के पास लैंड है तो वो है लोहानी के पास है। लोहानी के पास 80 एकर्स है और टोटल आपका 100 एकर्स एरिया है। अब वो 20 एकर्स में डिफरेंट भी है, तो अपर और रेस्ट जो है वो आपके सबसे कम है, जो जिसको हम लैंडलेस कहते हैं। लैंडलेस तो बंधुआ, बॉन्डेड लेबर की बात करते हैं, बंधुआ है जब उनका क्या है, जस्ट हैंड टू माउथ की बात करते हैं, मगर वो फैमिली, वो भी फैमिली है। इसी 450 फैमिली में, 450 में वो भी एक फैमिली है, मगर उस फैमिली का जो स्थान जो है वो पोजीशन है आउटसाइड, है ना। जैसे कि वर्ण के हिसाब से देखेंगे तो क्षत्रिय है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्राज जो होते हैं, जो लो होते हैं, उनको आउटसाइडर में। ये प्रीवियस प्रैक्टिस की मैं बात कर रहा हूँ, शेड्यूल कास्ट जो दलित होते हैं, एंड ये थर्ड ऑफ द पॉपुलेशन लिव इन द कॉर्नर ऑफ द विलेज, ठीक है। स्मॉलर हाउस उनका होते हैं, उनके हाउस जो है वो किस चीज़ के होंगे, क्या मार्बल प्लेट लगा होगा या सरमाइक, नहीं, उनकी घरें जो होती हैं वो कच्ची मिट्टी के होते हैं, फूस के होते हैं, उनके रूफ जो है वो बैम्बो से कवर रहता है। बट जो लैंडलॉर्ड फैमिलीज हैं, जिसको लोग सो कॉल एरिस्टोक्रेट फैमिली कहते हैं, सो कॉल द अपर फैमिली मेम्बर्स कहते हैं, उनका जो कंस्ट्रक्शनल वर्क है, उनके जो महल है, उनके जो पैलेस जो हैं, उनके जो हाउसेज हैं, वो काफ़ी पक्के और वेल डेकोरेटेड है। क्योंकि उस क्यों, कारण क्या है कि जस्ट किससे स्ट्रांग है वो कैपिटल से स्ट्रांग है। उनके घर में रोडवेज ही है, रोडवेज है, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी है, वाटर फैसिलिटी है। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव द इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी पावर ऑल द ट्यूबवेल्स है। तो इन ईच इन द फील्ड एंड द यूज ऑफ द वेरियस टॉप ऑफ द स्मॉल फैमिली, चूँकि जहाँ जो एरिया में आपको एवेबिलिटी है, एवेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स है, वो एवेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स है, तो आप यूटिलाइज करते हैं इस एरिया के, तो उसकी क्या क्या आपके पास फैक्टर्स क्या है, तुम्हारे पास लैंड भी है, रॉ मटेरियल्स भी है,
कैपिटल भी है, स्किल भी है, मींस ऑफ डेवलप ट्रांसपोर्टेड कम्युनिकेशन है, हाँ मोटिव पावर है, अब इरिगेशन फैसिलिटी है, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम के द्वारा, कैनन के द्वारा, तो जहाँ ये सारी व्यवस्थाएं, जहाँ ये सारा फैक्टर्स अगर अवेलेबल है तो नेचुरली है तो वो रीजन, वो एरिया काफ़ी मोर डेवलप होगा। बट प्राइमरी एक्टिविटी द रिलेटेड प्राइमरी एक्टिविटी मैंने कहा तो फार्मिंग है, और ऐसा नहीं है कि फार्मिंग के अलावा अदर आपका बेसिक नीड्स क्या क्या है, तो एजुकेशन होना चाहिए, हेल्थ सेंटर होना चाहिए, उसके बाद पार्किंग होनी चाहिए, वेल डेवलप रोड, जस्ट एक समझो ना कि तुम किसी भी एक कंसेप्ट लो दिमाग में कि हम किसी गांव का एक कंसेप्ट लेते हैं, तो गांव में जब जाते हैं तो रोड के किनारे किनारे प्लांटेशन होना चाहिए, पक्की सड़क होनी चाहिए, अगर पक्की सड़क नहीं भी है तो स्ट्रॉन्ग कच्ची सड़क भी होनी चाहिए, ट्यूबवेल होनी चाहिए और जो राहगीर है जिसको हम लोग कहते हैं उनके रहने उनके ठहरने के लिए एक आपका हॉल होना चाहिए, कम्युनिटी हॉल होना चाहिए, वहाँ के जो पीपल्स हैं, उनके जो बच्चे हैं उनके पढ़ने के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल स्कूल होना चाहिए, तो स्कूल हो गया, हेल्थ फैसिलिटी के लिए प्राइमरी हॉस्पिटल होना चाहिए, डिस्पेंसरी होनी चाहिए, प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं, फिजिशियन हो, सर्जन की होनी चाहिए, तो कहीं कि हमारी जो भी डेली यूजेज होती है, हमारी डेली जो आवश्यकताएं जो होती है, हमारा जो है उन सभी चीज़ की यहाँ पर आपको व्यवस्था दिया गया है ना। द डिस्क्रिप्शन एवव द सो दैट द पालमपुर हैज अ फैमिली वेल डेवलप सिस्टम है, जब हम देखते हैं कि नहीं कि यहाँ पर वेल डेवलप सिस्टम है, सारा सिस्टम नहीं, ऑल फैक्टर्स आर एयर अवेलेबल, जो एक आइडेंटिफिकेशन जो वो सारा आपका कंसेप्ट आप यहाँ पर देखने को मिलता है, क्या है तो मैं अपर 80% 450 जो पॉपुलेशन है, 80% जो है अपर के हो गए, 20% लोअर हो गए, ये लैंड लॉर्ड फैमिली हो गए, यहाँ पर जो है रोडवेज भी है, हॉस्पिटल भी है, आपका प्राइमरी स्कूल भी है, यहाँ पर ट्यूबवेल की व्यवस्था है, इरीगेशन कैप के लिए व्यवस्था, कैनल्स की व्यवस्था है, तो जो कंसेप्ट देखते हैं वो सारा चीज हमें पालमपुर में देखने को मिलता है। ये सारा ये हाइपोथेटिकल है, ये एक इमेजनरी हम लोग बात कर रहे हैं, ये सारा चीज़ होना चाहिए, कल्पना कर रहे हैं। तो अब द स्टोरी ऑफ द पालमपुर एंड इमेजनरी विलेज विल टेक द थ्रू द डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रोडक्शन एक्टिविटी। अब ये प्रोडक्शन एक्टिविटी की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन ऑफ द व्हाट प्रोडक्शन एक्टिविटी, ऐसे क्या प्रोडक्शन एक्टिविटी होनी चाहिए। सो प्रोडक्शन एक्टिविटीज जिसमें कि आप देखें कि पहला क्या है तो लैंड है, दूसरा क्या है तो लेबर है, तीसरा क्या है तो कैपिटल है ना कैपिटल क्या इस मनी की मैं बात करता हूँ, और लास्ट में जो है वो इंटरप्राइजेस या ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन कुछ भी करते हो, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये इंस्टीट्यूशन है, ये इंटरप्राइजेज है। बट द फर्स्ट आपका जो है द थ्रू द डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द विलेज अक्रॉस द फार्मिंग इज द मेनली प्रोडक्शन एक्टिविटी, द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटी रेफर टू द नन द फार्म एक्टिविटी, तो इसको स्मॉल आपका मैन्युफैक्चरिंग है, इंडस्ट्रीज है, कॉटेज इंडस्ट्रीज है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, ट्रांसपोर्ट है, शॉपकीपिंग है, स्मॉल सेल टेक द लुक द बोथ ऑफ द टाइप ऑफ एक्टिविटी, पहला कौन सा एक्टिविटी हमने देखा तो वो देखा फार्मिंग एक्टिविटी और नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, तो फार्मिंग एक्टिविटी में आपका इरिगेशन है के लिए ये करते हैं, फार्मिंग एक्टिविटी देखते हैं, तो दो तरह एक नॉन फार्मिंग
जो है रेलवे, रोडवेज है, ट्रांसपोर्ट है, शॉपकीपिंग है, कॉम्प्लेक्स है, बिल्डिंग्स है, रिक्शा पुलर्स की बात करते हैं, क्योंकि अर्न मनी कर, मनी कर रहा है वो, डेवलपमेंट कर रहा है, ईच एंड एवरी एवरी कॉर्नर सेक्टर्स टू यूटिलाइज द अवेलेबल रिसोर्सेज लाइक ए नेचुरल एंड मैन मेड रिसोर्सेज. नाउ ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन, देन प्रोडक्शन इज व्हाट, क्या प्रोडक्शन, जस्ट द सो कहता है कि गुड्स एंड सर्विस दैट वी वे वांट द रिक्वायरमेंट, गुड्स एंड सर्विस है ना, दैट वी वांट्स द रिक्वायरमेंट्स इज नोन एज द प्रोडक्शन ऑफ, प्रोडक्शन है जो प्रोडक्शन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोडक्शन, द मेन प्रोडक्शन एरिया. तो लैंड पहला लैंड है, द सेकेंड लेबर, थर्ड फिजिकल कैपिटल एंड फोर्थ इंटरप्राइजेज. पहला क्या है, सुनो फर्स्ट, अब हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में की ओर चल रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या है, तो लैंड, पहला क्या है लैंड, सेकेंड में आ जाइए लेबर, सेकेंड में आ जाए लेबर, थर्ड में आ जाइए, थर्ड में आ जाइए, थर्ड में है फिजिकल कैपिटल, एंड फोर्थ में आ जाइए, फोर्थ में क्या है इंटर तो ये आपका ऑर्गेनाइजेशन का फोर्थ पिलर है, वन वन पिलर, टू पिलर, थ्री पिलर एंड फोर्थ पिलर. ये सारा पिलर जो है आपका एक अलग अलग इंपॉर्टेंस कुछ शो कर रहा है, शो कर रहा है. पहला क्या है, तो फर्स्ट क्या है, यू नो फर्स्ट द मैन लेबर, लैंड है, लैंड क्या है, लैंड इट इज फिक्स्ड है, इट इज इनहैबिटेड है, अवेलेबल है, नेचुरल रिसोर्सेज है. द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोडक्ट द गुड्स एंड सर्विस दैट वी वांट एंड द फोर रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विस जो आपके रिक्वायरमेंट को फुलफिल, लैंड है, लेबर है, फिजिकल कैपिटल इंटरप्राइजेज है. तो इट इज लैंड द प्राइमरी है, नेचुरल है, अवेलेबल है, रिन्यूएबल है, फिक्स है. सो इट इज जनरली रेफर टू ऑल द नेचर, ऑल द नेचुरल द रिसोर्सेज विच कैन बी फ्री गिफ्टेड है, जो मैंने आपको बताया कि विच कैन बी द फ्री गिफ्टेड ऑफ द नेचर. द मेजर लैंडफॉर्म माउंटेन प्लेट्यू प्लेन, एवरी द रिलीफ फीचर्स आर ओन कैरेक्टर. लैंड इज द फ्री द गिफ्ट ऑफ द नेचर बट इट इज सप्लाई ऑफ द लेस एज एज द कंपेयर टू द डिमांड दैट वाई इट इज द पे फैक्टर्स. तो वाई द फैक्टर प्राइसेस कहता है एज द रेंज, कहते क्यों, लैंड तो रिन्यूएबल है, लैंड अवेलेबल है, लैंड का हम रिसोर्स करते हैं क्योंकि गिफ्टेड है, फिर भी इस लैंड पर अगर हम कोई यूटिलाइज कर ह्यूमन एक्टिविटी डेवलप करते हैं, चाहे वो इंडस्ट्रीज की बात करो, चाहे फार्मिंग फार्म हाउस की बात करो, या कोई इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, अगर हम खोलते हैं तो उसमें भी हमको जो है पे करना पड़ता है. द सेकेंड रिक्वायरमेंट, आपका सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है, तो लेबर है. मैंने कहा कि किसी भी इंडस्ट्रीज किसी भी, तो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में सबसे पहला आपका वर्क करता है द रॉ मटेरियल्स. ये तो लैंड आपका रॉ मटेरियल्स हो गया. उसके बाद मैन द ह्यूमन बींग
अब इसको टू पार्ट्स में कर देते हैं, एक स्किल है और एक अनस्किल है। स्किल और स्किल की बात करते हैं, लेबर, लेबर जिसको ह्यूमन रिसोर्सेज कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज कहते हैं, एनी वर्क, एनी वर्क किसी तरह का भी वर्क कर सकता है, चाहे वो मैनुअल वर्क हो या मेंटल वर्क हो, है ना। क्या स्किल मैंने पहले बताया कि आपको एक वन जो स्किल्ड है और अनस्किल्ड है, जो स्किल्ड लेबर है वो प्रॉपर स्किल्स वर्क करेगा, जो अनस्किल्ड है उसको वो मैनुअल मैनुअल कर देगा, जस्ट कैरिंग कैरिंग बैग विच आर वंडर टेकन फॉर द मिनिस्ट्री कंसिडर इज कॉल्ड, तो वो आपके वर्क करते हैं जिसको हम लोग ये कहते हैं। तीसरा आता है फिजिकल फैक्टर्स, फिजिकल कैपिटल रिफर टू द पार्ट्स ऑफ द मेन वेल्थ विच इज यूज इन द प्रोडक्शन। अब मान लो कि हमने एक कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, वो कंस्ट्रक्शन है आपका इंडस्ट्रीज है, चाहे वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हो चाहे वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हो, तो सबसे पहले हमको रॉ मटेरियल्स, मेरा रॉ मटेरियल्स क्या है, तो आयरन ओर है। अब आयरन ओर के लिए निकालना है, रिसीव करना है, तो लेबर की जरूरत है, लेबर है। अब उसको परचेज करेंगे तो कैपिटल चाहिए, कैपिटल मिल गया परचेज किए, फिर उसका प्रोसेसिंग वर्क करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, बाइंडिंग करेंगे, पैकिंग करेंगे, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट करेंगे, फिर मार्केट में सेल करेंगे, फिर अर्न मनी करेंगे। तो ये कंटिन्यूस जिसको प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर की बात करते हैं। तो कैपिटल का मतलब क्या, वेल्थ का मतलब कि प्रोड्यूसिंग फर्दर वेल्थ और विच एंड द इनकम, या द टू टाइप को, ये दो तरह के होते हैं। पहला है क्या, पहला को कहते हैं फिक्स कैपिटल और दूसरा क्या है, वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल किसको कहेंगे, नाउ ये टेल मी द फिक्स कैपिटल, एनी श्रुति कुमारी या आर्यन बोल, आर्यन, सो आर्यन जस्ट वेटिंग। सर फिक्स कैपिटल मतलब कि वहाँ पे टूल्स मशीन जो है वो बहुत सालों से यूज किए जा रही हैं, तो उसको हम फिक्स कैपिटल बोलते हैं इंडस्ट्रीज के लिए। यस सर। और दूसरा सर द कैपिटल व्हिच इज इन्वेस्टेड व्हिच डू नॉट वांट्स टू, सर हम बोले सर, आप बोलो बोलो बोलो, मैं तो बोलो, वीडियो ऑन करो सर। कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो एक टाइम किया जाता है सर, हम वीडियो ऑन करें, हां यस सर, चलो वीडियो ऑन करो। यस सर, एक मिनट सर, एक मिनट सर, एक मिनट सर। यस यस सर, कर रहे सर, कर रहे सर। बोलो सर, जो कैपिटल जो कि लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट किया जाता है, जिसे बार बार बदलने की, ईयरली एनुअली बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं, जैसे कि टूल्स, लैंड, ईटीसी। अब मान लो, सपोज करो कि ये फिक्स कैपिटल है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग है, ठीक है, इसमें टूल्स है। एक्सक्यूज मी सर, हेलो, बोलो। एक्सक्यूज मी सर, यस एक्सक्यूज मी सर, मैं रिया की पेरेंट्स बात कर रही हूँ। रिया शर्मा जी, जी सर, अभी रिया शर्मा को क्लास में ही कोई लड़का, अवनीश है, अवनीश सर अभी इसको ऑन टेक्स्ट मैसेज पे बार बार गंदा मैसेज भेज रहा है और उस तरीके को बात कर, तो क्लास आपका ज्वाइन किया हुआ है अवनीश कुमार, अवनीश कुमार राम कुमार से, हाँ अवनीश कुमार राम कुमार से, लेफ्ट कर गया सर अभी क्लास। नहीं तो यहाँ तो दिव्या, यहाँ तो दिया हुआ चैट, हमारे चैट में तो नहीं आया है, आपके नहीं, मेरे चैट पे पर्सनल पेज जिससे क्लास कर रही है उस नंबर पे वो भेज रहा है सर। तो उसको कहिए ना, उसको डिजेबल कर लेगा, वो उसको अपना सिक्रेटरी कर दे हमारे पास मैडम, कि हमने तो चैट को ये ठीक किए हुए हैं, ब्लॉक किए हुए हैं एवरीवन, तो यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं,
ठीक है, पर्सनल क्लास में डायरेक्ट मैसेज कर रहा है सर, थोड़ा उसको क्लास में देख लिया जाएगा सर। यस मैम, आप उसका नाम नाम हमको कल आप जो क्लास मॉनिटर लोहानी, यस सर बोलिए, लोहानी सुन रहे हो ना? यस यस सर, यस सर। कल आप हमको उसका आइडेंटिफाई कराएंगे और कल के बाद वो क्लास नहीं करेगा, ओके? जी सर बिल्कुल सर। यस ओके मैम, वेरी गुड। सो टूल्स मशीन बिल्डिंग, टूल्स एंड मशीन रेंज द फ्यू द सिंपल टूल्स है सच एज द फार्मर्स के, जो भी फार्मर्स के जो है उसको ये सभी जो फिक्स है, जैसे कि अब हमने खेती के लिए प्लॉग लिया, हल लिया, थ्रेशर मशीन लिया, ट्रैक्टर लिया, ट्यूबवेल लिया, टरबाइन सेट लिया, जो एक बार हम इन्वेस्ट कर देते हैं वो फिक्स मेरा है, ठीक है। अब उसको हम फिक्स कर दिए, अब मैंने 10 लाख का मशीन ले लिया है और मशीन तो एक ही बार में परचेज किए हैं, अब उसमें जो अब वर्किंग कैपिटल क्या होगा, उससे जो प्रोडक्शन निकल रहा है, रॉ मटेरियल्स क्या, मेरा रॉ मटेरियल्स क्या, कॉटन बॉल रॉ मटेरियल्स है ना, कॉटन बॉल मेरा रॉ मटेरियल्स है, उस मटेरियल्स को हमने यूज किया प्रोडक्शन के लिए थ्रू किसके द्वारा, मशीन के द्वारा। अब जब प्रोडक्शन तैयार होगा तो उसमें हम इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं, द रॉ मटेरियल्स एंड मनी हैंड प्रोडक्शन रिक्वायर्ड द वेराइटी ऑफ द रॉ मटेरियल सच एज द यार्न है यूज बाय द क्ले यूज बाय द पोट्री, जो आप देख रहे हो जो मेरा रॉ मटेरियल्स है। अब हमारे पास रॉ मटेरियल्स जो शुगर केन है, अब शुगर केन जो मेरा रॉ मटेरियल्स है, जब उसका हम लोग प्रोडक्शन करते हैं तो उससे आपका क्या बन जाता है, गुड़ है, खांडर है। अगर रॉ मटेरियल्स मेरा जूट है तो जूट से गनी बैग तैयार करते हैं, अगर रॉ मटेरियल्स मेरा कॉटन बॉल है तो उससे हम सिंथेटिक फैब्रिक क्लॉथ तैयार करते हैं, ठीक है। तो ये सारा तो एज रॉ मटेरियल्स सम मनी आर ऑलवेज रिक्वायर्ड द ड्यूरिंग द प्रोडक्शन टू मेक द पेमेंट एंड बाय अदर नेसेसिटी ऑफ द आइटम, सही बात करते हैं। कुछ पैसे हमेशा जब हमको कोई सामान खरीदना है, पैसा इन्वेस्ट किए, परचेज करना है सामान परचेज किए, बेचना है, तो कुछ ये मनी जो वर्किंग मनी वर्किंग कैपिटल जो वर्क करते रहता है एंड जस्ट द अनलाइक टूल्स मशीन एंड बिल्डिंग सो दे आर यूज अप टू द प्रोडक्शन। एंड नाउ फोर्थ आपका जो है, 4 मिनट्स बचा हुआ, ठीक है, वन टॉपिक कंप्लीट कर दो। फोर्थ जो है कि द देयर आर फोर्थ रिक्वायरमेंट टू यू विल द नीड नॉलेज एंड एंटरप्राइजेज एंड टू बी एबल टू द पुट टूगेदर लैंड लेबर एंड फिजिकल कैपिटल एंड प्रोडक्ट द आउटपुट सो इन आइदर टू योर सेल्फ एंड सेल एट द मार्केट, जो हो जाए अपने स्वतः या मार्केट, तो इसको हम लोग ह्यूमन एक्टिविटी कहते हैं, द ह्यूमन कैपिटल ये हो गया। आप देखो कि मार्केट से हम सामान खरीदें और बाय कार बाय ऑटो हम उसको डोर टू डोर सेल करते हैं, तो ये मेरा मेहनत ना है, मगर किसी भी इंडस्ट्री शॉप में जाके देखो तो ये कहता है कि वी सेल लर्न मोर अबाउट द ह्यूमन कैपिटल। तो ये ह्यूमन कैपिटल की बात करते हैं, यूटिलाइज द सर्विस एंड द लेबर लैंड एंड कैपिटल ऑल्सो द कन्वर्ट द रॉ मेटेरियल इन टू द डिजायर्ड द आउटपुट एंड द वट एवर द फार्म द अर्न बाय द सेलिंग द आउटपुट गेट्स द डिवाइडेड एमंग द फैक्टर्स प्रोडक्शन इन द टर्म ऑफ द रेंट वेजेज इंटरेस्ट द प्रॉफिट
500 का कोई भी मटेरियल कोई भी प्रोडक्ट को मैंने परचेज किया और उसको हम जाके अपने खुद उसको मार्केटिंग करके उसको 7,000-7,000 में उसको सेल किए तो 2,000 का मेरा क्या हुआ, ये प्रॉफिट हुआ। एनी क्वेश्चन? सो टुडे योर जस्ट इंट्रोडक्शन एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोडक्शन। नाउ नेक्स्ट डे द फार्मिंग इन द पालमपुर, ये लैंड इज फिक्स्ड है इन देयर ए वे वन कैन ग्रो मोर द फार्म द सेम लैंड। ठीक है, लेट्स टुमारो सी।